राजधानी दिल्ली में संसद का दौर जारी है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को यानी आज सातवां दिन होने जा रहा है। वहीं लोकसभा में कल बैंकिंग कानून विधेयक 2024 पारित किया गया। आपको बता दें इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। इस विधेयक में बैंक खाता धारकों को अपने खातों में अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति रखने की परमिशन मिलेगी। सदन में शुरू होते ही संबल हिंसा और अडानी मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आज भी इन मुद्दों पर हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि संबल में जो घटना हुई वे एक सोची और समझी साजिश है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत लगभग पूरे विपक्ष ने कुछ देर के लिए लोकसभा से वॉकआउट भी किया था।